नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, इंडिया के जो वर्कर जिनके पास वैलिड वीजा है, सब डॉक्यूमेंट हैं, वो यूएई दुबई जाना चाहते हैं, उसके बावजूद जी हाँ सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद 18 इंडियन मजदूर जी हाँ दुबई एयरपोर्ट पे फंस गए, आबू धाबी एयरपोर्ट पे फंस गए। इसका रीजन क्या हुआ, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे यहां पे मिलती रहे। तो मैं बता दूं कि अभी अगस्त में आपको पता है भाई दुबई सरकार बार बार सिस्टम बदलती जा रही है, कन्फ्यूजन हो जाता है, करें क्या करें। एक मजदूर टाइप का आदमी, उसको पता नहीं होता कि हम क्या करें। कभी बोलता आईएसआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कभी बोलती है अप्रूवल है, आबू धाबी में जरूरत नहीं है, शारजा रासल खेमा में जरूरत नहीं है, दुबई में है, तो बंदा कंफ्यूजन में आ जाता है। जी हां, फिर भी बता दूं 18 इंडियन वर्करों को दुबई एयरपोर्ट पे रोक लिया, यहां से चले गए वो, ठीक है, वहां पे रोक लिया। उनको बताया गया था कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। जी हां, जबकि उनके पास आईसीए की रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि आबू धाबी का मैटर है, उनके पास अप्रूवल था, वैलिड वीजा था, टिकट थी, कोविड-19 रिपोर्ट सब कुछ था, उसके बावजूद उनको रोक लिया गया। जी हाँ, अब मात्रा क्या है, वहाँ की कंपनी का जो फर्नीचर की कंपनी है, उनके मालिक, उनके जो पार्टनर प्रोग्राम, उन्होंने बताया कि ये जो स्थिति है बड़ी टेढ़ी है, टेढ़ी होती जा रही है, हमें नहीं पता होता कि कौन से डॉक्यूमेंट की कमी है कभी, क्योंकि जो आज कुछ रूल है, दो दिन तीन दिन बाद में कुछ रूल चेंज हो जाता है, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है बंदा। फिर उन्होंने बताया कि एक वेबसाइट है यूएई की, जी हाँ, यूएई एंट्री ICA.gov.ae। जी हाँ साथियों, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा सब लोगों का, तब जाके उसकी स्थिति बदलेगी, फिर उनमें कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद में वो बंदे निकलेंगे। जी हाँ, ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, हो सकता है इसमें एक दिन लग जाए, दो दिन लग जाए। ये बंदे चार दिन से दुबई एयरपोर्ट में फंस चुके हैं, ये न्यूज़ चार दिन पहले की मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने तीन चार एग्जाम्पल और भी हैं कि हमारे पास आईसीए की हमने अप्रूवल भी ले लिया, हमारा वीज़ा में अभी तक टाइम पड़ा है, हमारे पास टिकट है, हमें कोविड-19 की है, उसके बावजूद भी हमें तीन चार बंदों ने बोला हमें एंट्री नहीं मिली। तो मेरे भाई, टिकट बनाने से पहले आप कन्फर्म कर लीजिए, पुख्ता कर लें, उसके बावजूद ही जाएँ, वरना ऐसी हालत आप लोगों के साथ भी हो सकती है, आपकी टिकट का पैसा जाना, मानसिक टेंशन होना, फिर आपका कोविड के चक्कर में आ जाना वगैरह वगैरह। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हर बार कुछ नए स्टेप बदलते जा रहे हैं, नियम बदलते जा रहे हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। काफ़ी से लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, उनकी माइंड में ये है कि पूरा जो हमें सरकार के निर्देश थे कंप्लीट कर लिए, उसके बावजूद भी उनमें कमी निकाल के उनको स्टॉप कर लिया गया, तो एक तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बाकी भाई, सरकार के फैसले के चैलेंज तो हम नहीं कर सकते उसको, लेकिन उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। बस ये लोगों के साथ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।